साहब ने पूछा कि पढ़ने के बाद आई थिंक यू ऑल डिफरेंट पर्सन नाउ ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम डे वन पे जब प्रोजेक्ट पे थे तब बहुत एक्टर एक्टर वाली फीलिंग थी, पर आज हम पर्सनली बहुत जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से सब लोगों के साथ. सो मेरे लिए ये मेरी पहली हिंदी पिक्चर है और ये एक सब्जेक्ट है जो एक एज एन एक्टर एज ए प्रोफेशनल मैं बताना चाहूंगी कि मोस्ट वो स्टीरियोटाइपिकल सब्जेक्ट नहीं है. हीरो हीरोइन वैसा जो हमें सोचते हैं, जिसका ड्रीम रहता है कि अरे मैं पिक्चर करूंगी तो ऐसी पिक्चर करूंगी, इसके साथ करूंगी. मगर लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहाँ ये आपसे भी बड़ी चीज है. ऐसा मौका है कि ये जो स्टोरी है वो हम चारों या जितने भी कास्ट मेंबर उनके थ्रू हर एक लड़की को पहुंची जो शायद इस चीज से गुजर रही है या गुजर चुकी हो, और उसकी अगर मदद हो सके एक भी लड़की की तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है. सेकेंडली, मैं कल अपनी नानी के साथ ये पिक्चर देखने गई थी और मेरी नानी गुजराती है, ज्यादा हिंदी समझती नहीं है. उन्होंने बाहर आके मुझे एक बात बोली कि मुझे वो तेरा सीन बहुत सही लगा जब तूने आके अपने पापा को बताया कि आपने तो हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं है, जो कि मैं मानती हूँ वो बहुत बहुत ज्यादा सच बात है. क्योंकि आज भी मैं अपनी नानी को पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, हम मंडे को क्यों व्रत रखते हैं, हम ट्यूजडे को क्यों व्रत रखते हैं. वो बोलती है बस ऐसा ही है, मेरे टाइम से उनके पापा दादा सबके टाइम से यही चला जा रहा है. तो हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है जो कि इस पिक्चर से मुझे रियलाइज हुआ है. और एक चीज, एक मुस्लिम लेडी आई थी कल मेरे पास पिक्चर देखने आई थी और आगे उन्होंने मेरा हाथ शेक किया, मुझे बहुत टाइट हग किया और मुझे बोला थैंक यू कि आपने ये पिक्चर दिखाई है, क्योंकि ये पिक्चर इस्लाम को गलत नहीं बता रहा है बट ये बता रहा है कि कुछ लोग इस्लाम को यूज करके उसके कितना गलत फायदा उठा रहे हैं टेररिज्म के लिए. और मैं मानती हूँ कि टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता है. एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, लाइक कन्वर्जन्स के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, हम कन्वर्जन अगर करते हैं हिंदू में या सिख में या क्रिश्चियनिटी में, पॉइंट कन्वर्जन का नहीं है. ऐसा कहाँ होता है कि ISIS और टेररिज्म का पार्ट बन जाए? ऐसा कभी भी नहीं होता और किसी कन्वर्जन में, क्योंकि इस फिल्म के ड्यूरेशन में ऑफकोर्स लाइक आई सेड आपको भी अपना थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है. आई वॉज रिसर्चिंग कन्वर्जन हिंदुइज्म में भी बहुत हुए हैं केरला में, लेकिन पॉइंट वहां पे आ रहा है कि कन्वर्ट करके आप किसी टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बना रहे हो, ISIS का पार्ट बना रहे हो, दैट इज वेयर दे आर रॉन्ग. हाई जी, बिफोर वी स्टार्ट द फिल्म, सुदीप सर ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे लड़कियाँ और औरतें और बच्चों को एक टैंकर में, जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े स्टफ करते हैं ना, वैसे 16 आवर्स बाय रोड. तो दे कांट गो टू द लू, खाना नहीं खा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते. आपको पता है वी कांट फॉर 2 आवर्स वी गेट अ डंप, बट 16 आवर्स एक के ऊपर एक डंप एंड देयर इज नो ऑक्सीजन फॉर देम टू ब्रीद इन. अभी जो लड़कियाँ वो टैंकर में जा रही है उनके तो रिकॉर्ड्स नहीं है. So in your 32,000 of those 16 that are going every day, there are no written records of that. And when you remove those bodies, jaise hum log washing machine se kapde nikalte hain, half those bodies are broken bones, right? Because aise you stuff them in. So bodies with mangled bones come out. Aadhe mar chuke hain, aadhe zinde, aadhe mare. Kuch bachon ko oxygen nahi mila hai, so they are half dead, half alive. So use nahi honge wo to become terrorists in the future. एंड जो औरतें थोड़ी तंदुरुस्त है और सेक्स स्लेव्स बन सकती हैं उनको लिया जाता है एंड भर्ती किया जाता है ISIS के. जो बच्चे शायद बड़े होकर टेररिस्ट बन सकते हो, जो आधे फॉर यूज नहीं है टू बिकम सुसाइड बॉम्बर्स और सेक्स स्लेव्स, उनको ऐसे ही वो रेगिस्तान में वो मर जाता है बिकॉज दे वॉन्ट बी फैन यूज. सो देन आई थिंक अब जब हम लोगों को कोई नंबर पूछता है एंड जैसे हमारी फिल्म में एक सीन है नीमा मैथ्यूज का, जो वो अपना केस रजिस्टर करने जा रही है, शी इज बीन रेप्ड बाय 15 to 20 people एवरी डे एंड दे आस्क हर प्रूफ. अभी किसी ने आपको 15 लोगों ने आपको रेप किया, आई डोंट नो प्रूफ कैसे दोगे आप, हाउ डू यू गिव प्रूफ दैट यू हैव बीन रेप्ड कंटिन्यूअसली फॉर अ मंथ बाय 15 people per day? थोड़ा मुश्किल होगा. वो शालिनी के साथ प्यार में धोखा हुआ,
अगर प्यार में धोखा हुआ है तो वो केस कैसे रजिस्टर किया जाता है कि किसी ने प्यार में मुझे धोखा दिया? आई डोंट नो कैसे रजिस्टर किया जाता है, क्या वो काउंटेड नहीं होता? क्या रेप काउंटेड नहीं होता बिकॉज हम लोग लिख के नहीं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये पोजीशन में ये लड़के ने ये किया और वो लड़के ने उसके बाद तुरंत वो किया? कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कंप्लेन, हाउ डज वन टेल समबडी दैट दिस इज द प्रूफ? आई डोंट नो. सो इतने सारे सवाल. एंड व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज गर्ल्स आई सॉ कितने स्ट्रांग है ये. बिकॉज आई वॉज आस्क्ड दीज क्वेश्चंस नाउ जब भी मैं प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को. एंड मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं एक लड़की हूँ. आई कुड फील देयर पेन एज अ गर्ल. बट द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू मी सम ऑफ देम हैज टू बी लाइक हाउ कैन यू आस्क दिस. आई मीन आप देख रहे हो लाइक देयर इज अ सीन वेयर सच ग्राफिक वायलेंस हो रहा है बट यू सीन आर यू श्योर अबाउट द नंबर? कैन यू प्रूव द रेप हाउ इट हैपेंड? यू नो आई एम श्योर यू दीज गर्ल्स रियली नीड अ ह्यूज हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर कमिंग हियर एंड सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस and being able to tell you their stories, knowing that they will be judged, knowing that they will be nitpicked, knowing that they will be asked questions that are personal questions that are degrading, questions that are to make them feel really small, to make them feel like they're inconsequential. Because when you go through something like rape, and when you go through something like indoctrination, and when someone's messed with your mind, stripped you of your self-confidence, and then when someone makes you feel really small, they still come here knowing that anyone could ask them anything, knowing that. So to be part of this project is I think we are all very, very fortunate that Vipul sir and Sudipta sir gave us this opportunity. I would like to thank the whole team for two things. First of all, giving us this beautiful movie. The movie succeeded in depicting what is the brainwashing system existing all over the world, not only in Kerala but all over the world. And it is succeeded in depicting what is love trap jihad is. And the movie got succeeded in depicting what the recruiting system existing in our country, which is recruiting the people towards ISIS like terrorist groups. And the movie got success in showing what the problem is and where the solution is. Problem kya tha? Shalini Unnikrishnan ka aur Geetanjali ka. Problem धर्म सिखाए गए नहीं है और चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं सिखाए गए हैं. दे वर नॉट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन एन अराउंड ऑफ बोथ एंड दे कुड इजली बिकम प्रे टू बट द अदर द एंटागोनिस्ट कैरेक्टर वाज ट्राइंग एंड सॉल्यूशन आल्सो सेड इन द सेम मूवी आल्सो. सो वी ऑल as representatives of victim of all types of jihad are thanking Vipul ji, Sudipto ji and all the team, Adha ji and all. Thank you to you showing how those people could brainwash us, how they could inject poisonous ideologies in our brain. And thank you to showing what was our situation when we got brainwashed. Thank you all. And we all from Asha Vidya Samajam thanking our father, our guru,